हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द मिस्टीरियस वर्ल्ड। मोहटा पैलेस पाकिस्तान के शहर कराची में बसने वाली एक ऐसी तारीखी इमारत जो कि अपनी खूबसूरती, अपनी गैरमामूली सरगर्मियों और आसेबी कहानियों के लिए जाना और माना जाता है। ये महल सन 1927 में शिवरतन चंद्र रतन मोहटा नामी एक हिंदू मारवाड़ी ताजर ने बनवाया था, जो कि 1947 में तकसीम हिंद से कबल तक इनकी अपनी रिहाइशगाह के तौर पे रहा। सन 1947 से लेकर आज तक मोहटा पैलेस को लेकर ऐसे कई सारी कहानियाँ, ऐसे कई सारे किस्से हैं जो अक्सर बेशतर सामने आते रहते हैं। जैसे कि अक्सर बेशतर रात के औकात में बंद कमरों में से किसी के चलने फिरने की आवाज़ आती है, और जब उन कमरों को खोल के देखा जाता है तो वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन किसी के कदमों के निशान वहाँ रह जाते हैं। वहाँ के हमले और आसपास के लोगों की माने तो अक्सर बेशतर रात के औकात में एक खातून सफ़ेद मलबूसात में कभी मोहटा पैलेस की टेरेस पे, तो कभी कॉरिडोर में, तो कभी मोहटा पैलेस की विंडोज़ पे नज़र आई है। कुछ लोगों के मुताबिक मोहटा पैलेस में दर्ज हरारत में अचानक से कमी देखी गई है। गैर मामूली आवाज़ें जैसे कि सरगोशियों, हंसी और रोने की इत्तला मेहमानों और अमले के अरकान ने दी है। कुछ ने तो नामालूम आवाज़ों के दरमियान गुफ्तगू सुनने का भी दावा किया है। किसी पुरसरार कुवत के ज़रिए अक्सर बेशतर वहाँ मौजूद अशियाओं को यहाँ से वहाँ करने के वाक़ियात भी सामने आते रहते हैं। ये तमाम तर वाक़ियात वहाँ के अमले और जो विज़िटर्स वहाँ विज़िट करने जाते हैं उनके अपने ज़ाती तजुर्बात के बिना पर हैं। अगर इन तमाम तर वाक़ियात को माने तो ये कहना गलत ना होगा कि मोहटा पैलेस एक पुरसरार महल है जहाँ अक्सर बेशतर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सामने आती रहती है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।